तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे जीमेल पे यदि ओटीपी नहीं आती है, हम परेशान हैं, तो हम कैसे वापस से यहाँ पे जीमेल पे ओटीपी प्राप्त कर पाएंगे। अक्सर होता क्या, कहीं हम लॉगिन करते हैं तो अपना जीमेल देते हैं, वहाँ पे ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, ओटीपी हमको नहीं रिसीव होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा तरीका आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सीखते हैं जीमेल के प्रॉब्लम के बारे में, कैसे ओटीपी हम फिक्स करेंगे जीमेल पे ओटीपी नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमको करना क्या चाहिए, जैसे हम यहाँ पे आपको दो तीन सेटिंग बताऊंगा, तो हो सकता है कोई ना कोई सेटिंग जरूर आप में वर्क करेगी, और जब सेटिंग वर्क कर जाए तो मेरी वीडियो को आप आखिरी में लाइक करेगा, नहीं तो लाइक मत करेगा दोस्तों, वैसे आपकी मर्जी, आए दिन क्यों करेंगे। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या है। तो सबसे पहले हमको करना है क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे डेटा कनेक्शन ऑन तो है अच्छे से, क्योंकि डेटा ऑन रहेगा तभी आपके यहाँ पे जीमेल पे ओटीपी रिसीव होगी। ठीक है, यदि यहाँ पे डेटा ऑन है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, फिर भी जी आपकी ओटीपी रिसीव नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए आज मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना चाहिए, अपने नोटिफिकेशन बार को यहाँ पे स्वाइप करिएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एरोप्लेन मोड का, इस पर टैप करिएगा और 5 सेकेंड के लिए वापस इसको ऑन कर दीजिएगा, फिर से आप जीमेल पे जाके ओटीपी चेक करेगा, हो सकता है ओटीपी आपकी आ जाए। यदि फिर भी आपकी ओटीपी नहीं रिसीव होती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना चाहिए। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे ऐप्स का या मैनेज ऐप्स का, मेरा एमआई का फ़ोन है तो डायरेक्ट ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है, हो सकता है आपका किसी और कंपनी का फ़ोन हो तो मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, या तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, वहाँ पे आपको ऐप्स का मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन यदि डायरेक्टली ऐप्स का या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है तो उस पर आपको टैप करना है, जैसे मैंने ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है मैं इस पर टैप कर दूंगा, फिर एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे मैनेज ऐप का, इस पर मैंने टैप कर दिया और हमारे फ़ोन की जितनी भी एप्लीकेशन है सभी ऐप यहाँ से आ जाएंगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सर्च बार दिया होगा, यहाँ पे हमको सर्च कर लेना है जीमेल, या तो यहाँ पे नीचे भी आप खोज सकते हैं, आपकी जीमेल वाली ऐप यहाँ भी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ से ही सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो ऐप है जीमेल, तो यहाँ पे मेरी ऐप यहाँ पे शो, यदि आपकी ऐप यहाँ पे शो हो जा रही है तो डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, नहीं हो रही है तो यहाँ पे तीन बिंदु दिखेगा कॉर्नर पे, इस पर टाइप करिएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऐप है सब कुछ शो तो कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे लंबा प्रोसेस है, तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे जीमेल, GMAIL, देखिए आ गया जीमेल वाले ऑप्शन पे, हम क्लिक करेंगे इस ऐप को ओपन करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस ऐप को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर डिफ़ॉल्ट्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐप परमिशन का, इस पर टैप करिएगा, देखिएगा यहाँ पे सभी परमिशन इनेबल तो है, सबको इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। वापस से बैक आइएगा और बैक आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे स्टोरेज का, स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर डेटा पे आपको क्लिक कर देना है, क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, ओके कर दीजिए। वापस से क्या करना है, आपको अपने जीमेल को ओपन करना है, जीमेल को जैसे ओपन करेंगे तो नए तरीके से आपका जीमेल दिखेगा। अब सिंपल है, गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने जीमेल पर हम टैप कर देंगे, और जो हमारा जीमेल है यहाँ पर टेक मी टू जीमेल पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा जीमेल ओपन हो जाएगा। और आपको क्या करना है, कॉर्नर पे जो 3 लाइन दिख रहा है इस पर टैप करना है और यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आल मेल का, इस पर आपको टैप कर देना है और अपने फिंगर को ऐसे स्वाइप करेगा, आपका यहाँ पे जीमेल रिफ्रेश हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ अब आपकी ओटीपी आ गई होगी, ठीक है, और आप ओटीपी आसानी से भर पाएंगे। यदि फिर भी आपको ओटीपी नहीं आती है, अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करेगा, स्विच ऑफ करके वापस से रिस्टार्ट करेगा, ओपन करेगा तो आप फिर से ट्राई करेंगे तो आपको ओटीपी आने लगेगी। तो मैंने कुछ तरीका बताया, हो सकता है आपको पसंद आया हो, यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।